शहर और शहर की गहमा गहमी, शोरगुल और भीड़ भड़क्का, कामकाज के झंझट और हजारों परेशानियां, इन सब के बीच अगर आप कभी ऊब जाएं, अगर ऐसे में दो तीन दिन की आजादी मिल जाए, घुटन से जान छूटे, अचानक हवा का झोंका सा आए और उड़ा ले जाए कहीं और, जानी पहचानी दुनिया से दूर, जहां एक और दुनिया अनजानी सी अपनी ही गर्त में खोई हुई कहानी कहते कहते जैसे सो गई हो, वक्त जैसे थम गया हो, मन तड़प उठे और ढूंढे समय की अनदेखी लहरें और यादों की धुंध में बिखरे सपने, तो आप भी यहां से ज्यादा दूर नहीं इन खंडरों में पहुंच सकते हैं। कोई हो सकता है आपका कोई दोस्त ही एक दिन आपके पास आए, आपकी मिन्नत करे, जोर दे, है सुभाष कौन? मैं हूं दीपू। और क्या हो रहा है भाई? बस एक मिनट, ये अभी खींची है तस्वीरें? हाँ कल ही। अच्छी है। थैंक्स। इसमें लाइट कम नहीं है जरा? अरे यार तू तो बहुत जानता है फोटोग्राफी के बारे में। हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है? सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ यार? तू ये सिगरेट छोड़कर गाना पीना क्यों शुरू करता? नहीं पीता, तुम्हें कैसे मालूम? ये ले चाय पिएगा? नहीं। खोखा चाय लाना। नहीं रहने दे। अरे हाँ, मैं इसलिए आया था कि ये बता के अगले हफ्ते क्या कर रहे हो। क्यों? अरे बताना यार, करना क्या है? वही रोज का धंधा। बस तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा अनिल तीनों जा रहे हैं। ओके। कहाँ? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ एक जमाने में मेरे पुरखे राज किया करते थे बड़ी शान से। कोई राज सिंहासन नहीं था बट ह्यूज। अब तो खंडेरी बाकी रहेगा, चल के देख लेना। पर ऐसे अचानक? अचानक ही सोचा यार, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं थे, जरा घूम घाम आएंगे। अगले हफ्ते कैसे हो सकता है यार? चाहोगे तो जरूर होगा यार। हेलो जी। नहीं, कोई सुनीता नहीं है यहां। यार अगले हफ्ते तो नहीं हो सकता। क्यों? मुझे वो दवाई कंपनी के लिए फोटोज खींचने हैं पब्लिसिटी। गोली मार यार दवाई कंपनी को। अरे नहीं यार, वही तो हमारे अन्नदाता है और फिर पब्लिसिटी वर्ल्ड। अरे अरे यार, क्रिसमस के दिन भी को काम करता है, फिर तेरे कौन से बीवी बच्चे बैठे हैं? जो तेरी बीवी साथ जा रही क्या? नहीं यार, वो तो मायके गई हुई है आजकल, बस मैं तू और अनिल। अनिल भी जा रहा है? हाँ। कितने दिन के लिए? कितने दिन मतलब, 23 को थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे और संडे को वापस आ जाएंगे, और मैंने खबर भेज दी मेरी गाड़ी वहां पर आ जाएगी। गाड़ी? पहल गाड़ी। ओ। बस अंदर तक नहीं जाती। क्यों, बहुत दूर है क्या? हार्डली 40-50 माइल्स। और ऐसा लगेगा यार, तो खुद चल के देख लेना, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। सुभाष देख तो, अनिल साला ऐसा है कहीं भी सो जाते। दीपू 4:30 या 4:35 शाम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद बैलगाड़ी।
कितने मील बताए? यार अब अच्छी तरह याद नहीं है, बहुत पहले गया था मैं, कोई 3 साल पहले, सब भूल भाल गया। गाड़ी है, मतलब बैलगाड़ी आएगी ना? अरे बिल्कुल आएगी, और मेरा वो माली कम कोचवान कम ड्राइवर कम कैटेगर। ए भाई, ए क्या कर दिया सारा कपड़ा? सॉरी दादा। भाई सुनते हो? अरे मैंने कहा सुनते हो? कुछ कहा बाबूजी? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हरिहर। हरिहर? हाँ बाबूजी। भैया हरिहर, तुम्हारे यहाँ क्या दिन में भी मच्छर होते हैं? ना ना, दिन में नहीं निकलते, रात को ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा, रात को निकलते हैं। हाँ, फिर ये जंगल है ना, इसलिए थोड़े ज्यादा हैं। जंगल निकल जाए तो फिर नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे। रहेंगे पर कम। ए भाई जी, हम क्या जंगल से होकर गुजर रहे हैं? हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा ना? कुछ तो दिख रहा होगा। हाँ कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। अंधेरा? अरे तू जाग रहा है अभी तक? ठहर, अभी दिखाता हूं तुझे अंधेरा। ए सुभाष, तू है या तुझे मच्छर उठा के ले गए? अभी तक तो और कितनी दूर जाना है देवदास? ले देख। है तो यही। आइए बाबू। ये तो जंगल में ही है अभी तक? नहीं बाबू, ये आ गए बस, सामने है। जंगल नहीं है यार, ये महल है। महल? महल? लगता है बकिंगम पैलेस में आ गए। क्या कहा बाबू? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ। आ यार, अरे यार,
क्या हुआ? टॉर्च तो हाथ में रखी होगी। ना बाबू जरा संभल के। बाबू जरा देख के, सीढ़ी टूटी है। हाँ भाई जरा संभल के आना यहाँ। आइए आइए इधर आइए। अरे कैसी है तू? ये तुम्हारी लड़की है ना? हाँ छोटे बाबू, गौरी। हाँ गौरी। अरे नहीं 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 भाई। अरे बाबा कितनी बड़ी हो गई है ये। बहुत दिनों बाद देख रहे हैं ना। पर साल तो इसका ब्याह भी हो गया। अच्छा। पड़ोस के गांव में। हाँ। गौरी जा जल्दी से भात चढ़ा दे। आई। हाँ भाई देख के यहाँ सीढ़ियां बहुत छोटी हैं। कल जमाई आया था लेने इसे गौरी को। अच्छा। वन वे ट्रैफिक का दोस्त। आप लोग आ रहे थे ना तो मैंने रोक लिया काम काज के लिए। चलो अच्छा किया। भूत वाला कमरा कौन सा है? ऊपर है। चुप है। चल यार जल्दी चल भैया। जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है तो बनाओ महाराज। अरे हर। हाँ छोटे बाबू। इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं पड़ रही है? हाँ छोटे बाबू ऐसा जाड़ा तो बरसों से नहीं पड़ा। हाँ। और फसल उसका तो पूछो मत, सूखा पड़ा और कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु की माया है। बड़ी अजीब जगह है। मैंने कहा था तुमसे अभी तो सुबह देखना जरा तुम, फोटोग्राफर्स पैराडाइज। क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर कुछ खास नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो रखा ही रहता है, इसलिए ताला लगाया है। आजकल किसी का भरोसा थोड़ी है। आइए। हाँ भाई। आपका आना जाना तो होता नहीं। सुभाष खबर पाकर जितना ठीक कर सका कर दिया, लेकिन आप लोगों को तकलीफ तो जरूर होगी। ऐसा कीजिएगा दिन में छत पर चले जाइएगा, धूप खाइएगा, अच्छा लगेगा। छत की भी जो हालत हो गई है। ये मेरे पुरखों में से एक है। ये आपके पुरखों का है? हाँ। ये क्या है? ये शायद डेट कैलेंडर है। डेट कैलेंडर? साल महीना दिन कुछ भी नहीं। The time of the prologue is eternity. लो भाई ये रही तुम्हारी टॉर्च। हरिहर पीने का पानी है ना? हाँ हाँ ये रहा, और लगे तो बताइएगा, बगल में ही तो कुआं है। आप लोग आराम कीजिए, मैं अभी आया। दीपू। हाँ ये क्या है? अभी दिखाता हूं। देखा सपोर्ट। सुबह तक जिंदा रहेंगे यार तुम्हारे ये फोटोग्राफर्स पैराडाइज देखने के लिए। यार मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहां कभी नहीं आता। अब तो मैं इस खटिया के नीचे सोऊंगा। अरे नहीं यार वहां सोने की क्या जरूरत, उधर उस कमरे में सो जाओ।
वहां तो कोई सपोर्ट भी नहीं। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, आओ देख जरा, चेक कर। चलो अरे सुभाष चलेगी? नहीं नहीं, अरे खाने में बहुत देर है यार। कोई बात नहीं, सीढ़ियों वो छत का रास्ता किधर से? अरे इस वक्त छत पे जाके क्या करेगा यार, बहुत ठंड है बाहर। ये है ना, क्यों भाई छत पे धूप खाने जा रहा है क्या? किधर से? इधर बरामदे में बाईं तरफ सीढ़ियां। अरे हाथ पांव टूटेंगे यार अंधेरे में। तेरी इस लाठी जैसी टॉर्च से अंधेरे के हाथ पांव तोड़ दूंगा। हे दीपो, यहां देख तेरा एक और पुरखा। Cheers to you, my forefathers. समझ के जाने। हाँ इधर देखे अंधेरा है वहां सीढ़ियों में। मालूम है यार। लगता है दीपूदा लोग आ गए। माँ माँ दीपूदा लोग।
जमीनी आई। जमीनी आ रही हूं ना। बोलो कहाँ थी? नीचे कुएं पर। कब से बुला रही हूँ, मुझे जरा सीधा कर दे। वहां गई थी? कहाँ? अभी तक नहीं गई। मिली नहीं उनसे? नहीं, सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ जा, एक बार हुआ। क्या चाहिए? छोटा तकिया लो। जाना एक बार, बुला ला। बुलाने का क्या है माँ, आना है तो अपने आप ही आ जाएंगे। एक बार बुला नहीं सकती, कह नहीं सकती मैंने बुलाया। तुम्हें खबर भेजी थी कि आने वाले हैं? हरिहर को तो भेजी है ना। और तुमने समझ लिया तुम्हारे पास आएंगे? टीपू तो अकेला नहीं आया। तो क्या हुआ? तो क्या, तू समझती नहीं, जानती नहीं? नहीं जानती। तुम जानती और कौन आया? क्यों जानूंगी, क्यों नहीं मां, जो तुम सोच रही हो ना वैसा। बस और नहीं बोला जाता। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? देखो दवा दी है ना, चुपचाप लेटी रहो, ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रही है? ऊपर छत पर कपड़े सुखाने। सब धाम धाम, और कहां एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा, मामूली सा मच्छर, बहुत ही हाई कास्ट का मच्छर रहा होगा, एनोफिलिस, मलेरिया का वाहन, सब कुछ उजाड़ कर शमशान बना गया। अब तो इस जगह का नामो निशान ही नहीं रहा। महामारी? हाँ, और सुना बहुत जोरों से फैली थी। थैंक यू। अबे खींचने से पहले बोलना। ये ले पकड़। हाँ दे दे यार, अच्छी रही। अरे नहीं रहने दे। नहीं ठहर यार। स्माइल,
वैसे आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। नहीं ना, आज की हो तो आज ही बोरिया बिस्तर बांधता हूँ। अरे नहीं यार, ये तो 100 साल पुरानी बात है, और फिर उस वक्त मलेरिया का मुकाबला करने के लिए कुछ था भी नहीं। हाँ, लाठी और बंदूक से मच्छर तो नहीं मारे जा सकते, इंसानों का सफाया जरूर किया जा सकता। तो सब साफ हो गए। साफ हो गए माने लोग अपनी जान बचाकर भागे, और जिसकी टेंट खाली थी वो वहीं का वहीं रह गया। बहुत बुरी हालत हुई इन लोगों की, जैसा कि हमेशा होता है। बस कुछ है गिने चुने लोग बाकी रह गए, गिद्ध, सियार, कुत्ते और एक आध इंसान थी। मैं कुल में दियाबाती करने के लिए कोई तो चाहिए। और तेरे कुल में दियाबाती करने के लिए? अरे यहां कौन आएगा यार, सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी तो छीन ली, और जो कुछ जमा पूंजी बुजुर्गों के पास थी, जैसे जिसके मन में आया वैसे उड़ा ली, और उनके बच्चों ने जहां की नौकरी मिली कर ली। जैसे कि आप? अरे नहीं बाबा, मेरे फादर भी नौकरी करते थे, उनकी कोई जमींदारी वमींदारी नहीं थी, और मुझे कोई अपने बाप दादा से कुछ नहीं मिला। उस समय तो इस घर की हालत ऐसी नहीं रही होगी, है ना? अरे नौकरी करके इतना बड़ा हाथी पाला जा सकता है क्या? बस राम भरोसे सब अपने अपने रास्ते हो लिए। काल काल महाकाल, सब चले गए ऐसा नहीं है, एक घर तो अभी भी बाकी है। शायद उन लोगों के सामने जाने का कोई उपाय ही नहीं था, या फिर कुल बातचीत करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही एक कुल बाती करने वाले को मैंने भी देखा। एक क्यों, दो बोलना, हरियर और उसकी बेटी। नहीं नहीं, वो नहीं, इसके कल रात को देखा, एक लड़की। लड़की? हाँ लड़की। सुभाष। अच्छा, आज भी देखा, शायद वही थी, छत पे कपड़े अपने सुखा रही थी। ओहो हो हो हो, अब समझ आया है छत का चक्कर, तभी तो दिन रात छत पर क्यों। किस तरफ देखा था तुमने? पश्चिम की तरफ? पूरब किधर? पूरब इस तरफ। इस तरफ तो वो इधर ही थी। हाँ इधर ही देखा। हाँ सब तो ठीक ही देखा था। क्यों, ये सही कह रहा है? तो इसने ठीक ही देखा? हाँ उसने ठीक ही देखा, उसी की तो बात कर रहा था मैं। वो हमारे रिश्तेदार हैं, और जिसे तूने देखा वो मेरी चचेरी बहन है, मेरे ताऊजी की बेटी जामिनी। जामिनी, जामिनी, आज क्या बार है? शुक्रवार। माँ, दर्द कम हुआ? हाँ। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। जामिनी, मेरा सिर बहुत गर्म हो रहा है। 5 दिनों से तेल नहीं लगा ना, इसलिए ठंड कम हो जाए तो लगा दूंगी।
लाओ तुम्हारे बाल बना दूं। कौन सी साड़ी पहनी है तूने? क्यों? नीली साड़ी तुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी नीली? अरे वही, वो बेल बूटे वाली मेरी थी ना। वो तो कब की फट गई माँ। हाँ थी भी तो कब की। ये भी तो नीली है। कौन सी? यही जो मैं पहनी हूँ, दीदी ने भेजी थी ना पूजा पे। अच्छा, लेकिन बेल बूटी नहीं है। ओ वो लोग तो आए नहीं। आएंगे। कब? जब फुर्सत मिलेगी। आए नहीं आएंगे तो ना सही। उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैंने कहा कि नहीं। सुबह से यही तो कह रही हो, तंग करके रख दिया है। जामिनी दीदी। कौन? गौरी। गौरी माँ भी ना परेशान कर देती, बहुत जिद करने लगी है। हाँ बोल क्या बात है? दीदी 3 थाली चाहिए और एक देग चाहिए, मुर्गी बनेगी। किसके लिए? दीपूदा लोग के लिए। हाँ बाबा ने बोला आपके घर से लाओ, हमारे बर्तन में तो बाबू लोग खाना रात में तो उसी ने खाया। तो रात को ही ले जाती। आ और कौन आया है? छोटे बाबू और 2 जने और एक बाबू तो हमेशा फोटो ही खींचता रहता। खच 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 खच। अच्छा मेरी भी एक फोटो खींची। माँ गौरी आई है कुछ बर्तन लेने, दीपूदा लोगों के लिए चाहिए। गौरी। जी ताजी। तुझे भेजा है? किसने? बाबा ने। हाँ ले जा। जमीनी संदूक खोल, चाबी इधर है आले में, पीतल की चाबी गोल। मालूम है। मैं आऊं? आ जा। अरे 100 साल से तो खुला ही नहीं। अरे पापा इतने सारे छोड़ना नहीं है? कितना कुछ था सब गया, जो चीज जहां गई वहीं रह गई। अपने लोगों ने भी क्या कसर छोड़ी लूटने में, बहुत कुछ गया। वो क्या इतनी बड़ी थाली? कौन सी? हाँ, वो फूलों वाली। वो तेरे बाबा की है, उसे रहने दे। तेरे बाबा उस थाली को छोड़कर और किसी थाली में खाते ही नहीं थे। 3 थाली ना? हाँ 3 गिलास भी। हाँ हाँ जितने चाहिए दे दे। धूल जम गई है। मांझ लूंगी देखची। ये ले देख ची। नीचे नीचे छोड़ दे। जा रही हूँ ताजी। अच्छा वो खाना कौन बना रहा है? तू जमीनी तू भी जाकर कुछ। नहीं बाबू लोग खुद ही बना रहे हैं। वो क्या बना सकेंगे, खाना बनाना मर्दों का काम थोड़ी ही है। पर वो लोग तो मुझे पास भी नहीं आने दे रहे। अरे माँ वो लोग हल्ला गुल्ला करते हुए खाना बना रहे हैं, बनाने दो ना। जा गौरी। गौरी सुन। हाँ? इधर आ मेरे पास।
दीपू के साथ और कौन आया है री? तुझे याद है रंजन की माँ? माँ तुम बहुत बोल रही हो आज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी तू जा। ये क्या लगा रखा है तुमने, कुछ सोच समझ है कि नहीं? अरे देखो तो क्या छोटी छोटी गोभी पैदा हुई, झटकती थी। अच्छा तुम जरूर पिछले जन्म में कसाई रहे होगे। तेरा परदादा रहा होऊंगा। मलेरिया से मरने के बाद दोबारा पैदा हुआ है। चाय इधर इधर रख लो। ये मुझे आप दूसरा बना ना जीना ना जीना। चाय बाबू चाय ले लो। टुकड़े बड़े बड़े काट दिए। अरे हम लोग राक्षस हैं, एक साथ पूरी मुर्गी हजम कर जाएंगे। आराम से गल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अरे बाबा लगता है महायज्ञ की तैयारी हो रही है। अरे जामिनी आओ आओ अंदर आओ। अरे ऐसे थोड़ी काटते, हटो मैं काट देती। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पिटवाओगी क्या तुम? ये लोग मेरी जान ले लेंगे। बैठो तुम। चूल्हे से तो हट के बैठो। खड़ी क्यों हो, बैठो ना दीदी। एक सिगरेट देना जरा। जला के देना यार, देखता नहीं हाथ भरे हुए हमारे। थोड़े से चावल बचा के रख लेना, बाद में खीर बनाने के काम आएंगे। भाई वो तेरे से किशमिश लाने को कहा था, तू लाया कि नहीं? खीर के चावल नहीं है ये। अच्छा सिगरेट पी। ताई जी कैसी हैं? सोचा था तुम लोगों के आने के लिए, बस इसी सब में। क्या हाल है उनका? माँ का हाल अब क्या? वैसी ही हैं। उम्र बढ़ रही है ना, और वैसे भी सर्दियों में तो। भाई तुम्हारा हो गया क्या? बस हो ही गया समझो।
दीपुदा, तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी? नहीं नहीं, पहले ये सब कर लो। नहीं नहीं, ठीक है। अरे चलो, ये जरा देख लेना भाई। चल। सुभाष, 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 वो आ गई। कौन? वही तुम्हारी, एक और कोई। एक और कोई? अब बन मत, उधर उधर पश्चिम की तरफ। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा बोलना, आई? अरे यार आई और चली भी गई। तब तो बात ही खत्म। अरे कहाँ यार, बात कहाँ खत्म? मतलब? मतलब कि मतलब तो देखे देखे गिर जाएगा। ओह मतलब कि सचमुच शमशान चंपा थी। शमशान चंपा? चाहे कुछ भी कह ले, नजर बहुत तेज है तेरी। अगले जन्म में मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। और साल दीपक को देख, मैनर्स तक नहीं है उसको, हमारा इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाया। अच्छा इंट्रोडक्शन करवाता तो तू क्या कर लेता? मतलब यार इनवाइट करते उसे लंच के लिए और क्या। ए अनिल वो देख, इधर आ, वो देख तेरी शमशान चंपा। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई कि ताई जी समझ रही हैं कि निरंजन हम लोगों के साथ आया है। हाँ लेकिन ये बात उनके दिमाग में डाली किसने? डालेगा कौन, खुद ही। तुमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि निरंजन नहीं आया? नहीं। आजकल माँ की हालत कुछ ऐसी है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। कभी कभी तो गुस्से में आकर ऐसा कुछ कर बैठती हैं कि मुझे डर लगता है। तो ठीक है, दोनों को ले जाकर सामने खड़ा कर देता हूँ, खुद ही देख लें। आंख से दिखता कहाँ है, जो देख लें। बिल्कुल नहीं दिखता। पिछली बार तुम आए थे तो तब तो पहचान लिया था उन्होंने, तब भी धुंधला ही दिखता था, अब तो वो भी नहीं। उठने बैठने में भी तो क्या कह रहे हो, अपने आप तो करवट भी नहीं ले सकते। इलाज वगैरह? अरे और आगे मत जाओ, छत की हालत ठीक नहीं है। एक एक करके सब गिर रही है। अच्छा तुम्हारी दीदी क्या कहती हैं और जीजा जी? हर महीने 150 रुपए भेज देते हैं।
हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, कभी कभी तो कपड़े लत्ते भी। कभी अपने पास आने के लिए नहीं कहते? वो तो हमेशा कहते हैं, दीदी जीजा जी दोनों, कि यहाँ की गृहस्थी समेट कर वहां चले आओ। तो तुम लोग जाते क्यों नहीं? मां नहीं जाना चाहती, सब कुछ तो चला गया लेकिन कुटुंब का अहंकार बाकी है, लड़की के यहां नहीं रहेंगी। हाँ, यहां बैठे बैठे निरंजन का इंतजार करती रहेंगी। अच्छा, तुम्हारे दीदी और जीजा जी कभी तुम्हारी शादी की बात नहीं करते? पहले करते थे, तब मैं ही नहीं मानी। क्यों? तो क्या तुम भी निरंजन का? अच्छा, ये मामूली सी बात ताई जी को नहीं समझाई जा सकती कि निरंजन अब कभी नहीं आएगा? जब पिछली बार आया था तो फिर से कहने की क्या जरूरत थी? ये तो वो ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर? एक बार मां से मिल लो बस। सच्ची बात बता दूं? नहीं। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूं। जामिनी, ताई जी से कहना मैं अभी खाना खाकर आता हूं। तो नहीं है ना? अच्छा जरा पानी खींच। बाबा तुम रहने दो ना, मैं धो लूंगी। हाँ ठीक है, तू पानी खींच। बहुत खाना बच गया, जामिन दी के घर दिया हूं क्या? उनका खाना कब का हो गया होगा, रहने दे, रात को गर्म करके खा लेंगे। क्यों भाई, चिकन कैसा लगा? हाँ ठीक था। नमक जरा कम था। जी हाँ, नमक कम था। अच्छा तू उस लड़की के बारे में क्या कह रहा था? कहना क्या है यार, अब जाना तो पड़ेगा ही। ये निरंजन कौन है? वही तो बता रहा था, ये मेरी ताई जी है ना, इनकी कोई दूर की बहन का बेटा है। बचपन में इन लोगों ने तय कर लिया था कि जामिनी को उसके गले मर देंगे। मतलब ब्याह देंगे? हाँ। तो वो क्या कहता है? चार साल पहले आया था, ताई जी से कह गया कि विदेश से लौटते ही जामिनी से शादी कर लूंगा। तो लौटा नहीं अभी तक? गया ही कहां था यार जो लौटता, कहीं दूसरी जगह शादी करके आराम से जिंदगी बिता रहा। तो क्या लड़की को पता है? क्या? कि उसने दूसरी जगह शादी कर ली है? हाँ। तब? वही तो कह रहा हूं यार, ताई जी को किसी भी तरह यह पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा मैं जरा अपनी ड्यूटी पूरी कराऊं,
तो तुम्हारी ताई जी ये माने बैठे हैं कि निरंजन एक दिन जरूर आएगा। ये तो वाकई प्रॉब्लम है। हाँ यार, और जिस दिन उन्हें ये पता चल गया कि निरंजन नहीं आएगा, उसी दिन दम तोड़ देंगे। अरे क्या जबरदस्त प्लॉट है यार, लौट कर किसी को सुनाना पड़ेगा। तू खुद ही क्यों नहीं लिख लेता? मैं नहीं यार, वो सेंटिमेंटल हो जाएगा। अच्छा मैं भी आया। ठहर देबू, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तू तू क्या करेगा भाई वहां जाकर? आप चुप रहिए, कोई इतराज नहीं। तुम्हारी ताई जी है, एक आध फोटो खींच लूंगा, चलो स्वर्गवास होने के बाद फ्रेम करवा लेना। क्या नाम बताया उसका? जामिनी। जामिनी, मैं चलूं ना? बुरा तो नहीं माने? हाँ बुरा मानने की क्या बात। क्यों दादू? हाँ कैसी फसल हुई इस बार? अच्छी नहीं, सूखा पड़ा ना, फसल ही कहाँ हुई। हाँ हमारे यहाँ भी यही हाल है, हरिहर बता रहा था। हाँ अच्छा अच्छा चल। ये कौन है? ये जामिनी के घर की खेती बाड़ी देखते हैं। जैसी जगह वैसी शक्लें। हाँ यही जगह है लगता तो, यही है यार। ये कहाँ गए यार? हाँ यही है। पापा क्या हालत हो गई है। जामिनी, जामिनी घर तो यही है ना? जामिनी, अरे दीपुता आती हूँ। साल में क्या हालत हो गई, पहचान नहीं है ये जगह। अच्छा हुआ मुझे तो पहचान लिया। हाँ वो मेरा दोस्त है, एक मेरे साथ बुला लूं। ए सुभाष, आओ आओ। ये सुभाष है। सुभाष तुम्हें पहले भी देख चुका है, कल रात ना? लगता है ऊपर कोई खिड़की है, कल रात छत पर से। कल रात आते ही सीधा छत पर चला गया। आइए। माँ सो रही थी, तुम्हारी आवाज सुनी तो फौरन जाग गई। सुभाष ताई जी का फोटो खींचने आया है। अच्छा, माँ का एक भी फोटो नहीं है, इधर से आइए संभाल के।
कौन आया है? दीपू आ गया। हाँ प्रणाम ताई जी। कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ बेटा, इधर आ। जमीनी मुझे जरा मैं मदद करूं? नहीं ठीक है। दीपू जी ताई जी। ओ आशा मैं यही हूं ताई जी। जमीनी और थोड़ा ठीक है। हाँ दीपू आशा कैसी हैं आप ताई जी? तू कैसा है? ठीक हूँ। और बहू? सब ठीक है। अरे आप वहां क्यों खड़े, अंदर आइए ना। अरे तू भी आया है, तू बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा बेटा। ताई जी ये इधर आ। तू कहाँ है, किधर, आ जा। माँ ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। ताई जी आप जमीनी निरंजन का बैठने के लिए कुछ तो दे। जा उठ, वो कुर्सी खींच लेना, जा। कहा ना कुर्सी दे। ताई जी आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ माँ ये निरंजन, इतने दिनों बाद मौसी की याद आई बेटा। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, इसीलिए तो मेरे प्राण गले में अटके हैं, निश्चिंत होकर मर भी नहीं पा रही। तू जानता है निरंजन, निरंजन तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? जामिनी कहाँ हो तुम सब? सब चले गए क्या? दीपू हम सब यही हैं ताई जी। तो तुम सब चुप क्यों हो? नहीं बस यूं ही। जामिनी हाँ मैंने कहा था ना वो आए बिना रह ही नहीं सकता, मैं जानती थी। बेटा तेरे लिए ही तो इस खंडहर में पहरा दे रही हूं। दीपू जी ताई जी। दीपू तू तो जानता है सब कुछ, अब तुम लोग आपस में सब ठीक ठाक कर लो। और कितने दिन दिन रात खटिया पर पड़े पड़े मेरा दिमाग भी ठिकाने नहीं रहता, हमेशा बकझक करती रहती हूं इससे, पर ये कभी मुंह से उफ तक नहीं करती। इस सुनसान जगह में एकदम अकेली है मेरी बच्ची, तो देख नहीं रहा कितनी बदल गई है। बस करो मां बहुत हो गया। निरंजन ताई जी। निरंजन मैं सच कह रही हूं तू सुखी रहेगा। माँ निरंजन बोल, तू जामिनी को ले जाएगा? बोल ले जाएगा ना? हाँ चुप हो जा, तुझे छोड़कर हमारा क्या पागलपन है ये? बोल बोल एक बार, ले जाएगा? बोल बेटा। और चुप मत रह बेटा, मुझे जरा शांति दे। निरंजन तू कहाँ कहाँ है तू?
निरंजन। एक बार बोल। हाँ। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? लगता है तुमने भी जामिनी को धोखा ही दिया। फालतू बात कर रहा है यार। फालतू बात क्या? तुमने कहा नहीं था? हाँ कहा। फिर? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और अब अगर मैं ये कहूं कि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। हम लोगों ने? तुम लोग तो वहां चुप हो गए थे। नहीं? अरे यार क्यों बेकार बात बढ़ा रहे हो? दो दिन के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे बस। अब इतना भी क्या है? करना अपनी बहन की शादी का इंतजाम तू क्यों नहीं करता? मैं क्या कर सकता हूं? भाई तेरी तो बहन है। अरे यार उसे शादी की जरूरत है, निरंजन की नहीं है, जिसे देखकर उसकी मां शांति से मर सके। अच्छा मतलब अब मैं उसकी जन्म पत्री लेकर उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकलूं, है ना? उसे शादी करना इतना आसान नहीं है, उसके साथ उसकी मां की जिम्मेदारी भी है। कौन करेगा उसे शादी? तुम करोगे या ये करेगा? अरे नहीं यार, दरअसल हम लोगों में से कोई किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है यार। बस हम लोग आ गए यहां पे इसलिए, अगर ना आते ना तो माथा पच्ची करते यार मैं, और ना ये सुभाष इस तरह की बात करता। ले भाई मैं क्यों करूंगा माथा पच्ची यार? माथा पच्ची करे तुम लोग। अब जो हो गया सो हो गया यार, कम से कम 4 साल के लिए तो वो निश्चिंत हो गए। अब 4 साल बाद फिर कोई और निरंजन आएगा। करना अपनी बहन की शादी का इंतजाम तू क्यों नहीं करता? मैं क्या कर सकता हूं? भाई तेरी तो बहन है। अरे यार उसे शादी की जरूरत है, निरंजन की नहीं है, जिसे देखकर उसकी मां शांति से मर सके। अच्छा मतलब अब मैं उसकी जन्म पत्री लेकर उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकलूं, है ना? उसे शादी करना इतना आसान नहीं है, उसके साथ उसकी मां की जिम्मेदारी भी है। कौन करेगा उसे शादी? तुम करोगे या ये करेगा? अरे नहीं यार, दरअसल हम लोगों में से कोई किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है यार। बस हम लोग आ गए यहां पे इसलिए, अगर ना आते ना तो माथा पच्ची करते यार मैं, और ना ये सुभाष इस तरह की बात करता। ले भाई मैं क्यों करूंगा माथा पच्ची यार? माथा पच्ची करे तुम लोग।
अब जो हो गया सो हो गया यार। कम से कम 4 साल के लिए तो वो निश्चिंत हो गए। अब 4 साल बाद फिर कोई और निरंजन आएगा। जामिनी दीदी, तू कब आई? घर गई थी, आप थी नहीं तो। माँ सो रही थी ना? हाँ। तू और कब तक है यहाँ? कब तक क्या, बाबू लोग चले जाएंगे तो वो आके ले जाएंगे। वो तो लेने आए थे पर बाबा ने नहीं जाने दिया। कब जा रहे हैं वो लोग? कह रहे थे कल भी यहीं रहेंगे, परसों जाएंगे। लगता है उन्हें जगह बहुत अच्छी लगी है। उन लोग न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं हर समय, और छोटे बाबू उन्हें साथ लेकर सब दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये खंडर। अच्छा जामिनी दीदी, छोटे बाबू के साथ एक और बाबू आए थे ना आपके घर, वही जो फोटो खींचते हैं? हाँ। क्या आपके यहाँ कुछ हुआ? क्या ना, मैंने बाबू लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत? वो तो पता नहीं पर लगा कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ ना, मैंने वो बाबू लोगों के बीच। नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं चलती हूं। Thank you.
सुनिए, आपने हमारे लिए जो किया उससे मैं, लेकिन वो तो जानती हूं कि मां की हालत देखकर ही आपने वो बात कही। क्या करता, आप लोग तो सब ऐसे चुप हो गए कि अगर आप मां को जानते ना तो शायद ये आपसे कुछ कह रही है। इसके बाद और बहुत तेरी बातें हुई, उन सबको जाने दो, परंतु एक बात के कारण मैं कभी भगवान को दोष नहीं दे सकती। मेरे चित्त द्वारद नरेंद्र के इस ग्रहण को भगवान ने कभी प्रसन्नता पूर्वक नहीं लिया। उन्हें मालूम था कि वो मेरे जीवन का कितना बड़ा असत्य है, इसलिए नरेंद्र के प्रणय निवेदन की क्षणिक उत्तेजना तुरंत ही कितने गहरे अवसाद में डूब जाती थी, इसे मैं भूल नहीं सकी हूँ। मुझे लगता था मानो मैं कोई चोरी करके या किसी का सर... अच्छा, वो लोग सारा दिन क्या करते रहते हैं? कौन? बहुत कुछ करते रहते हैं। और निरंजन, वो क्या करता है? खच खच फोटो खींचता रहता है। फोटो? तेरा भी खींचा क्या? जामिनी, जामिनी। हाँ, जामिनी। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा तू सो गई। नहीं, उसने इतने दिनों तक कुछ खोज खबर क्यों नहीं ली? कुछ बताया? जरूर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। पर तेरी मौसी, उसने तो चिट्ठी लिखी थी। लिखा था, तुझे याद नहीं? लिखा था, सब ठीक है, रिश्ता पक्का है। जामिनी, निरंजन क्या काम करता है? कौन सी नौकरी, कुछ बताया? ऐ जामिनी, बोलते क्यों नहीं, कुछ बताया? ना, कुछ भी नहीं। नहीं। तूने कुछ बात की? क्या कहती? तू जानती नहीं क्या? मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो इतने दिनों बाद आया, तुम लोगों में बात नहीं हुई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता बाबा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो कुछ समझना है तुझे ही तो समझना है। तू मुझे थोड़ा शांति से भी नहीं रहने देगी तो
चाहती है कि मैं तुम चुप भी रहोगे? माँ, माँ देखो तुम बहुत बोल रही हो आज, तुम तो जानती हो ना तुम्हारा इतना बोलना ठीक नहीं है। रात बहुत हो गई, सोचा हाँ बाबू, लोग तो उठ भी गए होंगे। गौरी जा जल्दी जल्दी चाय बना दे। पानी चढ़ा दिया। सुबह सुबह जैसे कौवे काहे काहे करते हैं वैसे ही बाबू लोग आंख खुलते ही शुरू कर देते हैं चाय 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 चाय। आओ। हाँ हाँ आ जाओ। ए अनिल तुम्हारी चाय। मेरी चाय वहां टेबल पे रख देना गौरी। अच्छा जागो गरम है। अच्छा हाँ यहाँ रखो। है सुभाष, सुभाष और यार चाय आ गई है। सुभाष चाय आ गई है यार। क्या बज गया? 8 बज रहे हैं। है? हाँ। अरे यार सनराइज गया। लो क्या है ये? तुलसी का रस। फिर क्यों?
क्यों किया? छोड़ो। कितनी दवाइयां पिलाएगी? थोड़ा सा और, थोड़ा सा। बस बस कहने से थोड़ी चलेगा। रात तुम ठीक से नहीं सोई ना? तू सही थी। मैं तो आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मैं कुछ समझ भी नहीं सकती। फिर वही शुरू कर दिया, तुम बहुत बोलती हो माँ। जामिनी, एक काम करेगी? आज निरंजन को खाने के लिए बुला लेना, जो कुछ है रूखा सूखा। माँ, मैं तुम पे बोझ हूं ना, किसी तरह छुटकारा पालो तो तुम्हारी जान बचे। क्यों पगली, मुझे विदा करके क्या तुम यहां अकेली रहोगी? क्यों अकेली क्यों रहूंगी? तो कौन आके इस खंडर में तुम्हारी देखभाल करेगा? यहां नहीं रहूंगी। यहां नहीं रहोगी तो फिर कहां जाओगी? तेरे पास। दीदी के पास गई हो कभी? पर तेरे पास रहूंगी। क्यों रखेगी ना मां, मेरी अच्छी मां, मेरी अच्छी मां। कान में कुछ पहनती क्यों नहीं? कितनी बार कहा? ठहरिए ठहरिए पंडित जी, एक मिनट, एक मिनट, जरा खड़े होइए वहां पे। आराम से, आराम से खड़े होइए। ऐसा ऐसा करिए, आप फिर से आइए अंदर से, आराम से। हाँ ऐसे नहीं, हाँ आइए। ओह नहीं पंडित जी, देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप आराम से ताला बंद करके इधर से निकल के और घर चले जाइए, ठीक है ना? हाँ उधर से, उधर से। अच्छा आराम से, जैसे आप रोज जाते हैं, ताला बंद कीजिए, इधर से निकल के घर चले जाइए आराम से। हाँ आइए। कमीज को उतार के दीपू, आज सुबह एक मंदिर देखा मैंने। कहाँ? उधर। तुम लोगों का है क्या? कहाँ? किधर? इस तरफ। हाँ उधर। हाँ 10-12 थे पहले, सब टूट फूट गए, एक ही बचा। पूजा वगैरह होती है वहां? होती है। पर वो दिन कहां बाबूजी, जो हमने भी नहीं देखे। अब तो सुबह शाम पुजारी जी दिया बत्ती कर जाते हैं बस। हाँ पुजारी जी को भी देखा मैंने। हाँ छोटा सा तगड़ा सा। कौन है हरिहर? गोविंद ठाकुर, बड़े बाबू के समय से ही चले आ रहे हैं। अच्छा। खानदानी जजमानी है ना। पूजा वूजा से गुजारा चल जाता है उनका? पूजा वूजा से थोड़े पेट भरता है। बड़े बाबू जमीन दे गए थे, खेती बाड़ी करते हैं। गोविंद ठाकुर जी। अच्छा पंडित जी आराम से, जैसे आप रोज जाते हैं,
ताला बंद कीजिए और इधर से निकल जाइए, ठीक है? हाँ आइए। जामिनी आई थी आज पूजा करने। कहाँ? मंदिर में। और तू वहां गया था? हाँ। फोटो खींची? यार अब तो तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। तुम लोगों को मैंने बताया नहीं, वो कल शाम भी मिली थी। कहाँ? पीछे एक तालाब है ना, वहां क्या करने गए थे तुम? अब क्यों, क्या बस गया था? गर्म पानी रख दिया नहाने के लिए। हो गया क्या? हाँ। ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि वो वहां मिल जाएगी। कुछ कहा तूने? कुछ कहा? वो लड़की, दीपू जानता है वो लड़की, वो लड़की बहुत समझदार है, वेरी सेंसिटिव, वेरी सिविलाइज्ड। उसने जिस सहज तरीके से ये सब लिया है, और रास्ता ही क्या यार, मैं सोचता हूं ऐसा कितने दिन चलेगा। आखिर मां को बहकावे में कब तक रखा जा सकता है? जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद एक दिन मां मर जाएगी। फिर जामिनी अपनी दीदी के पास चली जाएगी मुजफ्फरपुर। फिर हो सकता है दीदी किसी ना किसी तरह उसकी शादी का इंतजाम कर दें, या शादी होगी ना। या वो शादी करे ही नहीं, या दीदी जीजा जी के घर की देखभाल करने लगे और बाकी जिंदगी वैसे ही गुजार दे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाए, मन से सब मिट जाए, ये घर बार, मंदिर, तालाब, आकाश, अंधेरा, सब।
नमस्ते। मैं तो दो दिन से फोटो ही खींच रहा हूं। लेकिन मां की फोटो तो आपने नहीं ली। ओ, वो तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। अभी नहीं, रहने दीजिए। आप लोग आज जा रहे हैं ना? हाँ। कब? सुबह सुबह निकलने वाले थे, दोपहर चढ़ाई। जरा जल्दी जल्दी निकलना ही अच्छा है, अभी निकलेंगे तो दोपहर की बस मिल जाएगी। अरे सुभाष, ओ सुभाष, अरे आ क्या रहा हूँ यार, जरा जल्दी करो, दोपहर की बस छूट जाएगी। सुस्ती मचा रखी है, फोटो खींचने बैठ गया हूँ। ला ला मुझे दे। अच्छा, ये थर्मस रह गया था आपका। ससुराल कब जा रही हो? कब आ रहा तुम्हारा घर वाला? कल या परसों। ये लो। अरे अरे छोटे बाबू, रहने दीजिए। अरे नहीं, बाप बेटी मिठाई खा लेना। यार इसमें तो पानी नहीं, मैं भी पानी लेकर आता हूँ। अबे दो बजे की बात छूट जाएगी। अरे नहीं छूटेगी यार, ऐसे कैसे छूट जाएगी, जल्दी आना। इस बार आपको जरूर तकलीफ हुई होगी, इसके बाद जब आएंगे ना, जरा पहले से चिट्ठी लिख दीजिएगा, मैं सब ठीक ठाक कर रखूंगा। पता नहीं कब आ पाएंगे अब। क्यों सुभाष, आ पाएंगे? मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, आ रहा हूं। कौन? मैं।
तुम्हारे नहाने का समय हो गया माँ। वो लोग कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, कुछ बताया? जमीनी, उससे कुछ बातचीत तो हुई ही नहीं। मैं तो चल फिर नहीं सकती, जो जाकर बात करूं, इसलिए तो तुझे बार बार कह रही हूं। और तू तू कुछ बोलती नहीं, जवाब नहीं देती, इतनी जिद क्यों? जमीनी, जमीनी, तू जानती नहीं मुझे कितनी चिंता लगी रहती है। तुझे मेरी हालत पर तरस नहीं आता क्या? अरे तू बोलती क्यों नहीं? मैं तेरी मां हूं। बस करो मां, चुप हो जाओ। भगवान ने तुम्हारा सब कुछ तो ले लिया, हाथ पांव आंखें सब कुछ। अगर तुम्हें गूंगा भी बना दिया होता तो मां, 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 मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब, तुम जानती हो मेरा मतलब ये नहीं था ना मां, तुम जानती हो मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो, मुझे समझने की कोशिश करो मां, मुझे समझने की कोशिश करो मां। मां, मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी, मैं झूठ बोलती आई हूं मां, नहीं बताना चाहती। Hold it.